हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पेलिकन फार्म्स। आज के वीडियो में हम स्टॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे स्टॉकिंग करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं। और हमने ऑलरेडी तिलापिया के सीड्स मंगाए थे पहले, जिसके हमने वीडियोस नहीं बनाए हैं, सो ये वाले स्टॉकिंग के हमें डे वन से प्रोग्रेस देखने मिल सकता है। हमने फिलहाल 5000 सीड्स मंगाए हैं, सो देखते हैं इसका स्टॉकिंग कैसे करना है। सो टू स्टार्ट विथ, ये पैकिंग खोलने के बाद आपको प्लास्टिक के बैग के साथ ही उसमें जो टैंक में वाटर प्रिपेयर किया है उसमें 1 घंटे तक रखना है। इससे वाटर टेम्परेचर, पैकिंग में जो फिश है उसका और टैंक के पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हो जाते हैं फिशेस। डायरेक्टली टैंक में नहीं डालना है सीड को, अदरवाइज स्ट्रेस से काफ़ी मोर्टालिटी हो सकती है। इसके अलावा जो लगेगा वो है नमक का पानी और पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन। अब 1 घंटे बाद सीड्स को इस तरह से आप एक नेट में लेके पोटेशियम परमैंगनेट में डिप करना है 4 से 5 बार, एंड देन उसको नमक के पानी में डिप करना है। इससे क्या होगा कि कोई भी इन्फेक्शन होगा तो निकल जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि सीड्स इस तरह से आप सैनिटाइज कर ले सो दैट इन्फेक्शन टैंक में ना जाए, और सीड सैनिटाइज करने के बाद टैंक में छोड़ देना है। फर्स्ट डे जब आप सीड स्टॉक कर रहे हैं उस दिन आपको फीडिंग नहीं देनी है, उसके अगले दिन से आपको फीडिंग देनी है। फिलहाल अब हम ये क्रम्बल्स यूज़ कर रहे हैं तिलापिया के लिए। प्रोग्रेस हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।